YouTube family and welcome back to my channel again. आज है रिएक्शन वीडियो, कुछ देर बाद व्लॉग्स भी आएंगे। रमज़ान के जो व्लॉग्स हैं वो मैं नहीं बना पा रही क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब रमज़ान के व्लॉग्स भी आएंगे और रिएक्शन वीडियोज़ भी आएंगी। तो आज जिस वीडियो पर रिएक्ट कर रही हूँ वो है भगवद गीता, जो कि हिंदुइज्म में उनकी रिलीजियस बुक है। आज उस पर रिएक्शन है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को रिएक्शन पसंद आएगा और मेरी वीडियो भी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। कलयुग की भगवद गीता एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं, दुनिया की सबसे पहली लाइफ गाइड। कहते हैं भगवद गीता में दुनिया के सारे सवालों के जवाब। हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी गीता रेलेवेंट। तो क्या आज की यूथ, हमारे स्टूडेंट्स भगवद गीता से कुछ सीख सकता है? स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और 15 सेकंड के अटेंशन स्पैन में क्या ये हजारों साल पुरानी एडवाइस हेल्पफुल है? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भगवद गीता के 3 ऐसे लेसन को जानेंगे जिनसे स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ में मदद हो सकती है। अर्जुन कैसे बने? एग्जाम से पहले मैं बहुत एंग्शियस होता था, डरता था, खुद को डाउट करता था। मुझे आज भी सपने आते हैं कि संस्कृत का पेपर बाकी है और मैं प्रिपेयर्ड नहीं। वो पेपर देकर 12 साल हो गए लेकिन फिर भी हेजिटेशन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी वॉर शुरू होने से पहले ऐसे ही हेजिटेट हुए थे, डाउट करने लगे थे, क्योंकि दूसरी ओर भीष्म पितामह और उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। ये मेरे गुरु है, मैंने जो भी सीखा है वो इन्हीं से सीखा है, तो मैं इनसे अव्वल कैसे हो सकता हूँ, उनको मैं कैसे हरा सकता हूँ। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने भी ऐसे हार मान ली थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना मुश्किल होता है। कोटा फैक्ट्री, एस्पिरेंट्स जैसे सीरीज में हमने देखा है कि जो टीचर्स कोचिंग करते हैं वो भी तो काबिल होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो द्रोणाचार्य बनते हैं। Exactly. कई बार ये चीज हमें सबकॉन्शियसली पीछे खींचती है कि जो हमारा गुरु है जिससे हमने सब कुछ सीखा है, अगर वो भी एक चैलेंजिंग एग्जाम में पास नहीं हो पाया, IIT नहीं जा पाया, IAS नहीं बन पाया, CA फाइनल क्लियर नहीं कर पाया, तो हम कैसे कर सकते हैं? कई टीचर्स जाने अनजाने में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझाते हैं। And Arjun had this crippling feeling as well. तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ऊपर नहीं होती, ज्ञान ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे और उन्होंने अर्जुन को बहुत अच्छी विद्या दी थी, लेकिन अर्जुन सिर्फ द्रोणाचार्य की विद्या से दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्चर नहीं बना। उसने जिंदगी भर ज्ञान का यज्ञ किया, नॉलेज को एक जर्नी समझा। जहाँ लोग मटेरियलिस्टिक चीजों का यज्ञ करते हैं, उसने नॉलेज का यज्ञ करना उसे काफी मुश्किल काम। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई एक यज्ञ है और एग्जाम है एक वॉर, जहां हम सिर्फ पेपर के सवालों से नहीं, हमारे अंदर के उन इरेशनल सवालों से भी लड़ते हैं। और इन दोनों से लड़ने का हथियार एक ही है और वो है नॉलेज, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अर्जुन बना जा सकता। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? आजकल की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। लॉकडाउन के समय हम जिस फोन पर पढ़ाई करते थे उसी फोन पर तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन भरे पड़े हैं। फोन एडिक्शन से पीछा कैसे छुड़ाएं? इसका आंसर भी गीता में है। कुछ भी, लेट मी एक्सप्लेन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम एक इंसान है, एक कंसिस्टेंट पर्सनालिटी, लेकिन हमारे अंदर भी 3 अलग अलग तरह के गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक यानी वो क्वालिटीज, वो आदतें जिनसे हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है, लेकिन बहुत जल्द ये प्लेजर स्टेल हो जाता है। कई बार हमें ये पता होता है कि हमारे लिए भी लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। एडिक्शंस, भले वो सिगरेट का हो, फोन का या फिर पॉर्न का एडिक्शन, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये चीजें जो हमें खुशी देते हैं वो कुछ चंद सेकंड्स के लिए खुशी देते हैं, ये खुशी कभी सस्टेन नहीं हो पाती। हर सुबह जल्दी उठना डिफिकल्ट, बोरिंग लेक्चर में फोकस करना डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग मैच छोड़कर एग्जाम की तैयारी करना डिफिकल्ट, लेकिन इस शॉर्ट टर्म पेन के लिए हमें लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। गीता हमें बताती है कि हमारी आदतों को इन 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। पहला स्टेप है खुद को पहचानना। अब ये एडवाइस काफी आसान है और सुपरफिशियल भी कि सिर्फ सात्विक काम करो, लेकिन गीता हमें कहती है कि इन 3 को बैलेंस करो। Our goal should be reducing the tamasic qualities that we have. लेकिन अगर हम ये ठीक से नहीं करते तो ये आदतें दब जरूर जाती हैं, लेकिन जल्द ही रिलैप्स भी कर देती। गीता हमें कहती है कि सात्विक चीजें करने में नेचुरली प्लेजर कम है, तो उसमें प्लेजर बढ़ाओ, पढ़ाई को एक गेम बना। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। जब आपका काम बहुत ईजी होता है तब आप बोर हो जाते हो, और अगर काफी डिफिकल्ट होता है तो गिव अप कर देते हो, लेकिन अगर सही बैलेंस हो तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हो, रुकने का नाम ही नहीं लेते। दिस इज योर फ्लो स्टेट। और ये फ्लो स्टेट कैसे आएगी? ट्राई टू फाइंड दैट टाइम ऑफ द डे व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव। कुछ लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक पेज पढ़ लो तो दिमाग में मानो स्कैन हो जाता है। कुछ लोगों की सुनकर याद रखने की पावर अच्छी होती है, वो खुद को डिफिकल्ट आंसर्स की वॉइस नोट्स भेजकर उन्हें बार बार सुन सकते हैं। कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं जो विजुअलाइज करके याद रखते हैं।
find out I think मैं visualize करके याद कर लेती हूँ। तामसिक चीजों में pleasure ज़्यादा है, तो उसमें pain बढ़ाओ। उन तक पहुँचना difficult बना। सुबह सुबह फोन पर अलार्म बजने के बाद snooze बटन प्रेस करके सो जाना आसान है, लेकिन अगर फोन बेड के साइड में नहीं, रूम के दूसरे कोने में है, तो उठकर वहां तक चल के जाना पड़ता है और नींद उड़ जाती है। अपनी बुरी आदतों को नेगेटिव एसोसिएशन देना शुरू करो, और अगर एलिमिनेट नहीं तो एटलीस्ट कम करो। नंबर 3, फेलियर को कैसे हैंडल करें। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें सब सिखाती है, लेकिन फेलियर को कैसे हैंडल करें, हमारी एक्सपेक्टेशन से अगर कम मार्क्स मिले तो क्या करें, ये नहीं सिखाती। एंड दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू लर्निंग फॉर स्कूल, इट्स रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ लर्निंग। लोग सोचते हैं कि एफर्ट्स और रिजल्ट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितने ज्यादा एफर्ट्स उतने अच्छे रिजल्ट्स, लेकिन ये सच नहीं है। कुछ लोग मैथ्स में काफी अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के लिए नए लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान होता है, और कुछ रट्टा मारकर मार्क्स ला सकते हैं, उन्हें शायद कम एफर्ट में भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ कंपैरिजन हमें हमेशा डीमोरलाइज कर देता है। हमें कितने मार्क्स मिले इससे ज्यादा हमारे दोस्तों को कितने मार्क्स मिले, वो हमारे आगे हैं या पीछे, इससे घर वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है। कई ऐसी चीजों पर निर्भर होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तो रिजल्ट के लिए काम मत करो। कर्म इसलिए करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा पाथ। एंड आई बिलीव इन कर्म, आई बिलीव देयर इज अ बैलेंस इन द यूनिवर्स। आई जेन्युइनली बिलीव कि ईश्वर नाम का वो बनिया हर किसी को सुख और दुख तोल तोल कर देता है। थ्री इडियट्स में हमने सुना है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, दुनिया आपके पीछे भागेगी। आज हमारे प्लेट में कितनी खुशी परोसी जाएगी और कितना गम चखना पड़ेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन क्या खाना टेस्टी होने के चांसेस कम है, इस वजह से हम खाना खाना ही छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बुरे रिजल्ट के डर से कोशिश ही ना करना बेवकूफी है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do so you have to keep moving forward। गीता के 18 अध्यायों में श्री कृष्णा ने अर्जुन को 84 जन्मों के राज बताए, और इस वीडियो में तो फिर भी हमने सिर्फ 3 ऐसे लेसन आपके सामने लाए हैं। एंड होती है, और आई थिंक इस वीडियो से हमें ये 3 चैप्टर्स और लेसन सीखने की जरूरत है, और ये हर इंसान के लिए है। ज़रूरी नहीं वो हिंदू है, वो सलमान है, वो किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करता हो, हर किसी के लिए ये लेसन था। उसे समझना, हमें फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए, समझ के फॉलो करना चाहिए, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। और ये एक ऐसा लेसन है, लाइफ का लेसन है, जो हमें हमेशा याद दिलाएगा। हम किसी मुश्किल या किसी मोड़ पे खड़े हुए होंगे तो वहाँ से हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम इन लेसन्स को याद रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रिएक्शन और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।